हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृति बोरीचा। आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र की फेमस डिश मिसल पाव। इसमें लगने वाली सामग्री है, मैंने लिया है कच्चा हरा बटाना। उसको मैंने 5 घंटे भिगो के रखा था, बाद में मैंने कुकर में 5 सीटी बजा के उसको बाफ लिया है। एक बड़ा वाला प्याज, और ये मैं रसा बनाने वाली हूँ। इसके लिए एक बड़ा मैंने आलू लिया है, उसको मैंने कुकर में स्टीम करके एकदम स्मैश कर लिया है। कड़ी पत्ता, लहसुन और गार्निशिंग के लिए धनिया और नींबू और लाल मिर्च कश्मीरी, हल्दी, नमक, तेल और मैंने गरम मसाला बनाया है मिसल मसाला, वो डालेंगे। ये मिसल मसाला मैंने घर पे बनाया है, इसका वीडियो मैंने YouTube पे डाला है, तो आप ज़रूर से देखना। अभी हमने गैस जला लिया है, अभी हम इसमें 3 चम्मच तेल लेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, और प्याज को हम भून लेंगे। अभी हम इसमें मिर्ची डालेंगे, दो चम्मच। मिसल मसाला जो घर पे बनाया है वो 2 चम्मच, थोड़ी हल्दी, और ये बटाना डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम पानी डालेंगे, फ्रेंड्स आपने मिसल तो बहुत खाई होगी, जो मटकी की वगैरह सब बहुत सारी मिलती है, बट ये मिसल आपने नहीं खाई होगी। आप ज़रूर से एक बार बनाना और पूरा वीडियो देखना, तो आपको बहुत पसंद आएगी। हमने इसमें 2 ग्लास पूरे भर के पानी डाले हैं, अभी हम इसमें बॉईल आने देंगे। और मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डालूंगी, और अभी इसको हम उबलने देंगे थोड़ा। अभी हम साइड में रसे की तैयारी करेंगे, इसमें जो तीखा वाला रसा रहता है, ये आलू है उसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी। मैंने 3 चम्मच पानी डाला है, इसको अच्छे से हिलाएंगे हम, और थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे। अभी हम रसे के लिए तेल लेंगे, मैं इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लूँगी, तभी इसका तरी तेल का ऊपर आ जाएगा। इसमें कम से कम मैं 6 चम्मच तेल ले ले। अब हमें इसमें मिर्ची पाउडर, आपको कितना तीखा और कितना कलर चाहिए उस हिसाब से लग डालिए उसमें, थोड़ा मिसल मसाला और ये बटाटा डालेंगे। अब नमक डालेंगे,
तेल आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये अपना रसा रेडी है। ये अपनी मिसल अभी रेडी है, अभी हम इसे सर्विंग करेंगे। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी आज मिसल रेडी है, मैंने इस पे गार्निशिंग किया है, प्याज, रस्सा, फरसान, गाठिया, पापड़ी, धनिया, नींबू और पाव। यह है मिसल पाव मेरी रेडी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसी मेरी आपको हर रेसिपीज वीडियोस मिलती रहेगी। और आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स पे लिखना है तो आप लिख सकते हो मेरी रेसिपी के बारे में। थैंक यू।